ज्यादातर उसका ड्रॉइंग से ज्यादा खास ध्यान नहीं देती है। मैम आप उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया करो। आगे से ध्यान देंगे मैम, आप भी थोड़ा उसे स्क्रिप्ट ले लें। हाँ मैम हम भी ट्राई करेंगे। ओके बाय मैम। बाय। और सॉन्ग ढूंढ करा मैं बताऊंगी। और सॉरी तो जमा ही आज करती। हे क्यों है बेबे के को यहां पर मैं ना कम कर रखा है जमा यहां की कर दियो उसकी उनके 43% आया जमा भती कर दी पर मैं सॉरी माली ने तो फिर है तो माली तो टॉप करेगी माली बट की गए के साथ ही रखे जाए। हाय माली के तो 97% आ रहे हैं। आपको याद है जब आप छोटे थे तब आप मेरे पास
ड्राइंग्स बनाने का बहुत शौक था, बहुत सारी ड्राइंग्स बनाते रहते थे, है ना। नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं आता। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो? अभी सभी ने इतनी डांट मारी हो और मेरे एग्जाम में मार्क्स नंबर कम आए थे तो सभी ने बोला तू कुछ नहीं कर सकती, मुझसे कोई प्यार नहीं करता ना मुझे कोई समझता है। हाँ आपके मौसी ने बताया आपके इस बार इतने अच्छे मार्क्स आए, तो क्या रीज़न रहा उसके पीछे? पूरे साल मैंने ऐसे इतनी एक्टिविटीज़ में ध्यान दिया जिसके कारण एग्जाम आए तो मैं लास्ट टाइम फोकस नहीं कर पाई और एग्ज़ाम खराब हो गया। अच्छा बस इतनी सी बात को लेकर स्ट्रेस नहीं हुआ? अभी लाइफ तो काफ़ी बड़ी है ना, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, अगर आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस लोगे तो आगे क्या होगा, ठीक है? और ज़्यादा ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स तो आपको लेके कंसर्न है, वो आपकी फिक्र करते हैं ना, तो वो बस ये सोचते हैं कि आगे आपका क्या होगा, वो चाहते हैं आप उनका नाम रोशन करो, आप आगे जाके कुछ बनो, है ना। और टीचर्स का तो काम होता है आपको समझाने का, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अपना आप बोल रहे हो कि आपको आर्ट में शौक है, तो आप दोनों चीज़ों को मेंटेन करके चलो, दोनों चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो आप काफ़ी अच्छा कर पाओगे, ठीक है? तो अगली बार से अच्छे मार्क्स आएंगे ना, अच्छा तो अपने पेरेंट्स को ही कर देते हैं। बात करी और उसने बताया कि मुझे पता चला है कि आपने उसे सबके सामने डांटा है ना, तो मतलब क्या बात, आपको बच्चे से बात भी नहीं करनी आती क्या? अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? अब हम तीन जन हैं, आपको इतनी इंसल्ट फील हो रही है इसके सामने, तो आप सोचिए जब आप पाकिस्तान लोगों के सामने से डांट देते होंगे तो उसे कैसा लगता होगा? आप अभी मैच्योर है, पर वो इतनी मैच्योर नहीं है ना, वो अभी बच्ची है, तो उसे थोड़ा समझें, उसे थोड़ा फ्रेंडली सा बिहेव करें उसके साथ, उसे मोटिवेट करते रहें, ठीक है? और हर बच्चा ना हर चीज़ में खुद नहीं होता, हर चीज़ में 100% नहीं दे सकता, तो हर बच्चे के अंदर कोई एक टैलेंट होता है, हर कोई एक स्किल होती है, जैसे वो बता रही थी उसे ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो उसे वो करने दीजिए, अगर ऐसे करेंगे तो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी वृद्धि होगी, ठीक है? तो मैं यही चाहूँगी कि आप उसे कोऑपरेट करें। ओके मैम, आपने हमारी आँखें खोल दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चे की मेंटल हेल्थ में इंक्लूड होता है कि इमोशनल और सोशल हेल्पिंग, और जो कि इफेक्ट करता है हम कैसे सोचते हैं, क्या बात करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट के पास पागल जाते हैं, और मतलब कोई भी जा सकता है जो कि सही फील नहीं कर रहा, जो स्ट्रेस फील कर रहा है, कोई भी जा सकता है। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ छोटों को ही डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, तो उस केस में भी बड़े साइकोलॉजिस्ट को कंसर्न कर सकते हैं। हम टीचर्स को भी बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए, हम जाने में सही, लेकिन हम कभी कभार बच्चों को कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से वो हर्ट हो जाते हैं, इसीलिए हमें बच्चों की फीलिंग को समझना चाहिए। और पेरेंट्स को भी बच्चे को ज़्यादा और प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से वो स्ट्रेस में जा सकता है, तो हमें उसकी स्किल्स को पहचानना चाहिए और हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हर एक बच्चा ज़रूरी नहीं है कि स्टडी में ही अच्छा हो, क्योंकि हर एक बच्चे में एक जैसी स्किल्स नहीं होती। हम सब अपनी जनरल लाइफ में देखते हैं, कभी हम सक्सेस होते हैं तो कभी हम फेलियर की हो जाते हैं। जब आप फेल हो जाते हैं तो हमें उसे मेंटली और डिप्रेस लेके नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें उस पर ध्यान देके और उसे अच्छा करना चाहिए। कई बार पेरेंट्स और टीचर्स अपने वर्कलोड की वजह से हम पर प्रेशर डालते हैं और हमें डांट मारते हैं, हमें उसको मेंटली न लेके बल्कि उसे सुधारना चाहिए। एंड नेवर गिव अप इन लाइफ एंड फेस टू ऑल प्रॉब्लम्स विद अ क्यूट स्माइल एंड हैप्पीली। थैंक यू।